दोस्तों मनी इन द बैंक के लिए फैंस काफी इंतजार करते हैं। भले कई सुपरस्टार का करियर मनी इन द बैंक जीतने पर बदलता है, पर कई ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्हें मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बावजूद उन्हें फायदा नहीं मिल पाया। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन की। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने मनी इन द बैंक 2018 में जीता था और स्ट्रोमैन कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करने का सही मौका ढूंढ रहे थे। इसके बाद स्ट्रोमैन ने समरस्लैम 2018 में कैश इन करने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहे। इसके बाद हेल इन सेल में रोमन रीन्स के साथ स्ट्रोमैन का मैच होता है, लेकिन ब्रॉक लेसनर की वजह से स्ट्रोमैन को अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट गवाना पड़ा। नंबर 3, ओटिस। दोस्तों ओटिस मनी इन द बैंक 2020 में जीतकर सभी को हैरान कर दिया था। ये जीत ओटिस के करियर की सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन ओटिस मनी इन द बैंक ब्रीफकेस द मिज के खिलाफ हार गए। नंबर 2, बैरन कॉर्बिन। दोस्तों बैरन कॉर्बिन 2017 में मनी इन द बैंक जीता था। हम सबको लग रहा था कि बैरन कॉर्बिन भविष्य में चैंपियन बन सकते हैं, लेकिन जॉन सीना के इंटरफेरेंस की वजह से कॉर्बिन को ब्रीफकेस हारना पड़ा। नंबर 1, जॉन सीना। दोस्तों जॉन सीना ने मनी इन द बैंक 2012 में जीतकर सभी को हैरान कर दिया था। सभी को लग रहा था कि जॉन सीना आसानी से मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन करेंगे। जॉन सीना ने पीछे हमला नहीं किया, बल्कि सीएम पंक के खिलाफ उन्होंने 1-on-1 मैच खेला। इस मुकाबले में बिग शो ने बीच में आकर सीना पर अटैक किया, इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जॉन सीना को अपना मनी इन द ब्रीफकेस गंवाना पड़ा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलेगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।